पापा जी कहते हैं, लाइफ मीन्स लिविंग बींग्स हर जगह है, पानी के अंदर, धरती पे, हवा में, हम गिन भी नहीं सकते, करोड़ों और करोड़ों है, और सबको ही एक दिन मरना है, और हर शरीर के बाद मृत्यु है, फिर शरीर है, फिर मृत्यु है, क्योंकि डेथ विल ब्रिंग अनदर बॉडी, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक हम मृत्यु का डर नहीं मिटा देते। क्योंकि शरीर क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, बस ये ही शरीर है। और इस शरीर के बाहर भी आप देखते हैं तो यही धरती, पानी, आग, हवा है। तो शरीर भी बस यही है कि ये सारे तत्व मींस एलिमेंट्स इंटीग्रेट हो गए तो शरीर बन गया, और डेथ के वक्त ये सारे एलिमेंट्स बस अलग हो जाते हैं। तो अगर हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये शरीर एलिमेंट से बना है, पर मैं एलिमेंट नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं नष्ट होने वाला नहीं हूँ, मैं नष्ट नहीं होने वाला हूँ, मीन्स मैं इम्पेरिशेबल हूँ, ये बात जो समझ गया तो उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म, और उसको फिर से ये शरीर नहीं पहनना पड़ेगा। तो ये कैसे करना है? पहले तो हमारे जो ये आए खुद को समझते हैं, ये रियलिटी नहीं है। जब हम कहते हैं आई एम दिस आई, तो हम इस आई को पक्का करते जा रहे हैं। ये आई जो खुद को शरीर समझती है, उससे ही आइडेंटिफाई करती है, उसको ये ज्ञान, फ्रीडम, ट्रूथ, सच्चा आनंद कुछ समझ नहीं आता। और ये आई मीन्स संसार, मीन्स बॉन्डेज, मना अटैचमेंट। जब जब आय आता है तो संसार आ जाता है, बॉन्डेज आ जाता है, और जब ये आय या मैं नहीं है तो सिर्फ फ्रीडम है, आज़ादी है। तो ये मैं को कैसे छोड़ना है? सब कहते हैं आई एम, मैं ये हूँ, वो ये है, पर कोई भी खुद से ये नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे वापस कहाँ रिटर्न होना है, मेरे यहाँ आने का पर्पस या कारण क्या है, ये हमने कभी नहीं पूछा। तो हमको खुद से पहले पूछना है मैं कौन हूँ, और हमको इसका जवाब ढूँढना है हियर एंड नाउ, मीन्स अभी और इधर, क्योंकि इसका जवाब ही हमको फ्री करेगा। पापा जी कहते हैं फ्रीडम इज़ हियर एंड नाउ, और हम ही इसको मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स, मतलब कहीं सालों से पोस्टपोन करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी वासनाओं की वजह से। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, मैं इससे अटैच्ड हूँ, वो मेरे से अटैच्ड है, और इसको ही कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये ही संसार है, बॉन्डेज है, और हमारी सफरिंग मना तकलीफ़ों का मेन कारण है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। वासना हमारी ख़त्म नहीं होती, अगर हम वासनाओं को जगह ना दे कि ये चाहिए वो चाहिए तो संसार है ही नहीं। वासना मीन्स संसार, वासना इज़ माइंड मीन्स पास्ट, एंड माइंड इज़ पास्ट। हम कभी ये ट्राई नहीं करते, और ना हमको कोई बोलता है या सिखाता है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट। हम सिर्फ पास्ट की बातें करना जानते हैं या फ्यूचर की, हर जगह बस यही बातें हो रही है, पर क्या कोई प्रेजेंट की बात करता है? ये प्रेजेंट में रहना ही मुक्ति है, आनंद है, और हम ये बिना एफर्ट के कर सकते हैं अभी एंड यहाँ। नो थिंकिंग, नो एक्सर्शन, इट इज़ वेरी सिंपल। पर ये सिंपल बात हम समझते ही नहीं हैं, इसलिए हम जन्मों से सफ़र करते आ रहे हैं, वरना सफरिंग है ही नहीं। जैसे अगर सपने में चोर ने अटैक किया, वो हमको डरा रहे हैं, तो हमको हेल्प चाहिए, पर कोई मदद नहीं कर रहा है,
तो ये जो सपना देख रहा है उसके सर पे बंदूक लगी हुई है। तो आप ही बताओ कि उसकी मदद कैसे करे जो सपना देख रहा है। तो तब एक शेर आता है और सारे चोर भाग जाते हैं और शेर की दहाड़ से जो सपना देख रहा है उसकी नींद खुल जाती है। तो अब कहाँ गया चोर, कहाँ गया डर, कहाँ गई वो सफरिंग। सपने में सब था पर जब जागा तो कुछ था ही नहीं। वैसे ही हमारे साथ है, हम सब सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। मना लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, अटैचमेंट है, डर है, सब इमोशन है क्योंकि हम सो रहे हैं। तो अब जागना है, जैसे शेर की दहाड़ से वो व्यक्ति जाग गया वैसे हमें इस सपने से जागना है। हमारे लिए वो शेर की दहाड़ होनी चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी फ्री। पापा जी कहते हैं कि कोई भी, नो वन वॉन्ट्स टू बी फ्री, और ये फैक्ट है। सबको हेल्प की ज़रूरत है तो सब मेडिटेशन ज्वाइन करते हैं, गुरु के पास आते हैं हेल्प के लिए, वो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पर कोई भी मुक्त होने के लिए नहीं आता है। आज हमारे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है पर क्या इनमें से कितने बुद्धा निकले हैं, कितने ज्ञानी हैं इस पॉपुलेशन में। हमको फ्रीडम नहीं, एन्जॉयमेंट चाहिए है।